हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रुप टी की वेटिंग लिस्ट लगने में टाइम लग रहा है, डिक्लेयर होने में टाइम लग रहा है, तो उसके बारे में आपको एक न्यूज़ देगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें मेरी वीडियोज़ को, ताकि जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आऊँ आपको सबसे पहले आपको मिले जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और नोटिफिकेशन के जो बेल का आइकॉन का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं लेके आऊं आपको जैसे मैं अपलोड करूं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ग्रुप डी की जो वेटिंग की लिस्ट है उसके बारे में एक लेटर अभी इशू हुआ है 22 तारीख को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द चीफ़ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह लेटर HSSC को दिया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, कि ये यहाँ पर मेमो नंबर है, 22 जनवरी 2020 का यह मेमो नंबर है। तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है, आप देखिए, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ग्रुप डी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 कैटेगरी नंबर 1 ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट लगनी है उसमें भी टाइम लग रहा है। उसका रीज़न डिपार्टमेंट्स हैं, HSSC डिपार्टमेंट से लिस्ट मांग रहा है कहां पर क्या कितने एम्प्लॉई चाहिए उनको ग्रुप डी के। तो इसमें आपको पढ़ के मैं सुनाना चाहूँगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज़ इंटीमेटेड दैट द प्रोसेस ऑफ री एलोकेशन ऑफ पोस्ट एंड और डिपार्टमेंट एंड ज्वाइनिंग हैज़ नॉट बिन कम्प्लीटेड एज येट। तो यह जो आप देख सकते हैं कि 18/1/2020 को एक्सपायर होने जा रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि 19/1/2020 को या 18/1/2020 को रिजल्ट फाइनल हुआ था, तो उसके एक साल बाद यह जो वेटिंग लिस्ट लगनी होती है वो एक साल बाद एक्सपायर हो जाती है तो बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि यह एक्सटेंड कर दी जाए 18/4/2020 तक, यानी कि अप्रैल तक यह बढ़ा दी गई है। तो आपको इस चीज़ की खुशी भी होगी, कुछ लोग डर भी रहे थे कि यह कहीं एक्सपायर ना हो जाए, तो अप्रैल तक यह बढ़ा दी गई है कि उम्मीद है कि हम मार्च अप्रैल के अंदर यह लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सभी मतलब मोस्टली 4 डिपार्टमेंट्स है, 4 डिविजन्स में यह लेटर भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह चंडीगढ़ से इशू हुआ है और 22 जनवरी 2020 को आज के दिन यह लेटर निकाला गया है। तो खुशखबरी है ग्रुप डी वेटिंग वालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।